वही तो तुम्हें चैनल ब्रांड फ्रेंड्स की ट्रेनिंग करते हैं। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे से, इंसान बिहेवियर के बारे से कुछ सीखना चाहते हैं, इंसानी रवैयों के बारे में कुछ फैक्ट, कुछ साइकोलॉजी के फैक्ट, इंसानी रवैयों और व्यक्तित्व के बारे में सीखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आप हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, के फर्स्ट फैक्ट जो है वो ये है कि अगर जिंदगी में कामयाबी और खुद को जिंदगी के मकसद गोल्स के लिए मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, खुद को, तो आपको जिंदगी के मकसद में जो सबसे बड़ा गोल जैसे कि डॉक्टर बनना, अमीर बनना, कुछ भी करना हो, इसको जो है वो जहन में, यानी जिंदगी में हासिल करने वाले जो मकसद हैं, बड़े गोल्स हैं, वो उन्हीं को ही आप जो है वो चूज करें। मतलब बड़ी सोच रखें, बड़े ख्वाब देखें और यही गोल जो है आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस और आपको मोटिवेटेड रखेगा। यानी इनको जब आप जहन में हर वक्त रखेंगे तो ये आपकी यकीनन आपकी कामयाबी के जामिन होंगे, यानी आपका सक्सेसफुल होने का रेट जो है वो बढ़ाएंगे और आपको मोटिवेटेड रखेंगे, आपको इंस्पायर करते रहेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहते रहेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है, औरतें मर्दों के मुकाबले में इमोशनली तौर पर जो है जज्बाती तौर पर ज्यादा मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। देन आई थिंक कि इमोशनली तौर पर क्योंकि स्ट्रांग होती हैं, शायद इसीलिए जो है मर्दों को जो है वो इमोशनल कूल जो है बना लेती हैं और इमोशनल कूल बनाकर अपने मतलब जो है निकाल लेती हैं। खैर औरतों को भी बड़े लोग इमोशनल कूल बना लेते हैं। क्या आप इस फैक्ट के हवाले से एग्री करते हैं या नहीं? अगर करते हैं, आपकी जो भी राय है कॉमेंट में इसको लेकर जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, मर्द शराब के नशे में दुत जो इंसान है, यानी फुली ड्रंक इंसान जो है वो जो भी बताएगा, यानी नशे की हालत में जो भी बताएगा वो सच, और नशे में इंसान हमेशा जो है वो सच बताता है। नेक्स्ट फैक्टर है, दूसरों के साथ अपना दुख या तकलीफ के बाद अगर इंसान शेयर करता है तो इंसान खुद को जो है वो हल्का महसूस करता है, यानी खुद को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई बोझ जो है वो सर से उतर गया। नेक्स्ट फैक्टर, टॉयलेट सीट के मुकाबले में बैक्टीरिया जो है वो या जरासीम जो है वो मोबाइल फोन पर जो है वो ज्यादा होते हैं, यानी बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे इंसानों से परहेज करते हैं जिनसे जिनके बारे में पता चल जाए कि इनको कोई बीमारी है, तो आजकल तो हर दूसरा बंदा जो है वो हाथ में मोबाइल पकड़े रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनके हाथों में ये फोन होते हैं वो भी जल्द बीमार हो जाएंगे। फिक्र ना करें क्योंकि जर्म्स तो हर वक्त आपके साथ ही रहते हैं, तो दूसरे इंसानों से परहेज करने से बेहतर है कि आप खुद से भी परहेज करना शुरू कर दें क्योंकि जर्म्स आपके साथ भी हमेशा रहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, अकलमंद लोग ज्यादा सब्र करने वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, हमारा दिमाग सारे रंगों यानी कलर्स में से नीले ब्लू रंग को जो है वो बहुत ज्यादा देखता है। नेक्स्ट फैक्ट है, बिल्ली और कुत्ते भी ख्वाब देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, हकीकत तहकीक के मुताबिक इंसान जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों की तरफ, ऐसे इंसान की तरफ माइल होते हैं जिनका रंग जो है वो बुरा होता है, फेयर कलर होता है। आई थिंक ये वो बात आजकल क्लियर हो जाती है जो कि आजकल हमारी सोसाइटी में ट्रेंड है, रंग बुरा करने वाली क्रीम्स हर दूसरा बंदा लगा रहा है, चाहे गोरे रंग का भी वो भी लगा रहा है, और इसके अलावा व्हाइट स्किन के लिए इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें जो है करवाई जा रही है, टोटके इस्तेमाल किए जा रहे हैं रंग बुरा करने के लिए। बट ट्रस्ट में रंग पूरा करने की बजाय इंसान को अपने अंदर को जो है वो देखना चाहिए, यानी जारी खूबसूरती को नहीं बल्कि इंसान की फितरत को जो है वो जरूर देखें, और सिर्फ रंग बोले की तरफ अट्रैक्ट ना हो बल्कि फितरत की तरफ भी अट्रैक्ट होना सीखें, मतलब अट्रैक्ट हो या एटलीस्ट ट्राई तो किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है, ज्यादातर जहीन लोग जो है वो जीनियस लोग दूसरों को बातों, ज्यादातर जो जहीन लोग होते हैं इंटेलिजेंट या जीनियस किस्म के जो लोग होते हैं वो चीजों और बातों को जो है वो जो भी चीज सीख रहे होते हैं लाइफ में चीजें हो रही होती हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, जब कभी झूठ बोलना हो तो बात यानी बात को बताते हुए जो है बिल्कुल मुख्तसर बात बताएं, शॉर्ट बताएं, इससे कोई भी आपका झूठ जो है वो नहीं पकड़ सकता है, मतलब लोग जान नहीं पाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। यानी अगर कभी झूठ बोलने की जरूरत पड़ जाए तो बिल्कुल छोटे छोटे जुमलों में बात करें, बात को बताएं। नेक्स्ट फैक्ट है, जब कोई भी इंसान जो है वो बुरे वक्त में किसी दूसरे इंसान की मदद करता है तो मदद करने वाले इंसान से जो है वो दूसरे इंसान को जिसकी मदद की जाती है उस इंसान को जो है वो मोहब्बत हो जाती है,
मेरी ये मोहब्बत नहीं बल्कि ये मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता जो है वो बन जाता है उस इंसान के साथ। नेक्स्ट फैक्टर, जिस किसी इंसान को अपनी मुश्किल से प्रॉब्लम से बचना हो, एवॉइड करना हो, तो ऐसे लोग जो है दिखावे का गुस्सा जाहिर करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है, जो लोग सीधे लेट कर सोते हैं ऐसे लोग खुद एतमाद होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है, इंसान जब भी हैरान होता है यानी सरप्राइज होता है तो अपनी आईब्रोज को जो है वो ऊपर को उठाते हैं। आई थिंक ये वाला फैक्ट तो आपके ऑब्जर्व कर चुका होगा, इवन कॉमन चीज है कि जब कोई दूसरा इंसान, हर दूसरा इंसान जो है वो कभी हैरान होता है किसी चीज या बात पर तो अपने आईब्रोज को जो है वो ऊपर की तरफ उठाता है। आई थिंक ये कॉमन चीज है। नेक्स्ट फैक्ट है, ये एक मिथ है या फिर मनगढ़ंत बात है मुझे कि लड़की मुस्कुराए तो उसका मतलब ये है कि वो आपको पसंद करती है, यानी लड़की हंसी तो हंसी पर, जो कि अक्सर आपको फिल्मों ड्रामों में देखने को सुनने को मिलता होगा, गलत है, मनगढ़ंत है, यानी स्माइल करना पसंदीदगी को जाहिर नहीं करता है। नेक्स्ट फैक्ट है, इंसान 95% यानी 95% लड़ाई के दौरान खामोश रहना रहते हैं, यानी खुद को मजीद लड़ाई झगड़े से जो है वो बचाने के लिए लोग जो है वो ऐसा रवैया तैयार करते हैं, यानी खामोश रहते हैं, यानी 90% लोग जो है वो खामोश रहने को तरजीह देते हैं, प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, मोहब्बत लव एक एडिक्शन है, यानी एक ड्रग्स की तरह एक नशा है, इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए ब्रेकअप के बाद जीना और जिंदगी जीना जो है वो मुश्किल लगती है। इनफैक्ट स्टडीज यानी तहकीक और सर्चेज जो है वो जाहिर करती है कि मोहब्बत करने वाला साथी छोड़ दे तो दूसरा इंसान जो है वो जान से जा सकता है। एवं लोगों ने जिंदगी को भी खत्म कर लिया, यानी सुसाइड कर जाते हैं लोग या फिर जिंदगी को जो है वो जीना छोड़ देते हैं, तो जाहिर बात डिप्रेशन या बीमारियां लाता है और बीमारियां जो है वो जिंदगी का एंड करती हैं, जिंदगी को खत्म करती हैं। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा एंड आई होप कि आपने बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर को सीखा होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, कोई बात उनको अच्छी लगी है, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी जो भी राय हो इन फैक्ट के हवाले से कोटेशन कह लीजिए या फिर क्वालिजरी कह लीजिए, सेइंग कह लीजिए जो कि कहावत की तरह है, या फिर फेमस लोगों की कही गई बातें हैं जो कि इनके लाइफ एक्सपीरियंस के बाद उनको हासिल हुई और उन्होंने लोगों के साथ शेयर की। तो यकीनन आप होप आपको अच्छी लगी हो और सीखने को भी कुछ मिला हो। अगर कोई बात इनको अच्छी लगी है, सीखने को मिली है, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।